कुशनाथ 2013-14 में विशेष योग्य जन पेंशन योजना का सरलीकरण करते हुए विशेष योग्य जनों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना की घोषणा की। वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना की पात्रता हेतु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त करने के साथ ही निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75,000 से बढ़ाकर की 5,00,000। बढ़ती क्षमता नया राजस्थान, समृद्ध है जनता नया राजस्थान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और जिन दर्शकों को हम यहां पर अपडेट करा दें कि इस वक्त बाबूलाल नागर पर जिन पीड़िता ने आरोप लगाया है उन पर बलात्कार का, वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और खुलकर वो अपनी बातों को रख रही हैं कि कहां पर क्या कुछ हुआ। पूरे घटनाक्रम पर हमने नजर डाला और बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपसे हम ब्रेक से जाने से पहले हमने पूछा था कि उनकी पत्नी जो है बाबूलाल नागर की, उन्होंने कई बार आपको फोन किया, आपने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, क्या सबूत है? क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोर्ट में जाती हैं आप तो साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, क्या ऑडियो आपके पास है, वीडियो है या फिर लिखित है, क्या कुछ है आपके पास प्रूफ? और जैसे कि आप, मैंने बताया कि आपको कि जो हमारी एसएसएल रिपोर्ट, जो हमारे कपड़े वहां पर सीज किए गए हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि हम उसको रिपोर्ट को चेंज करवा देंगे। लेकिन अब उसके जो हमारे पास प्रूफ ये है कि वो जो हमें पैसे देने के लिए आए थे उनको, उनका प्रूफ है, और जो मैडम के फोन आए थे, सुनीता नागर के फोन आए थे, वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है। तो मैं, वो सारी चीजें हैं जो कोर्ट में हमारे लिए सफिशियंट हैं और मुझे बहुत उनसे रिलीफ मिलेगी। अच्छा, पैसा देने की किसने कोशिश किया था? बाबूलाल नागर ने ही भेजा था हजारी नागर के थ्रू किसी को मेरे पास में। हजारी लाल नागर बाबूलाल नागर के भाई? और क्या कुछ उन्होंने कहा इसके साथ, अगर वो पैसे लेकर आए थे क्या कुछ उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कितने पैसे आपको ऑफर किए थे? पैसे तो मुझे 2 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। हाँ। और उसके ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड ये छोड़ दिया था कि आपको कितना पैसा चाहिए, ये 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी आपको चाहिए हो। हाँ। वो लेके ये मैटर को यहीं पर सॉर्ट आउट करो, इसमें क्या रखा है, आगे तुम जीत नहीं पाओगी क्योंकि सारे सिस्टम को उन्होंने मैनेज कर रखा है, सारा सिस्टम उनकी सरकार है, तुम सरकार से नहीं लड़ सकती ना जीत सकती हो, इसलिए हम आपको जैसा कह रहे हैं आप वैसा कर लो, आप पैसे ले लो और बयान मत दो, और इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं, वो सरकार उनकी खुद की सरकार है। आपके घर आए थे वो? जी हाँ। अच्छा, आपका परिवार भी उस वक्त मौजूद था वहां पर? हाँ, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, अब जानना चाहेंगे इस घटनाक्रम के बाद, जैसा कि आपने कहा कि हर हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वो रसूखदार मंत्री रह चुके हैं और नेता तो हैं ही और सरकार के जो है सिपा सलार रहे हैं, ऐसे में क्या डर, क्या फैमिली आपकी जो है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल पाती है और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने आपके लिए? नहीं, अब हम नहीं, प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए जरूर हैं, लेकिन हमारी हर चीज फॉलो की जा रही है। मतलब हमें किसी से, मैं अपने बात भी किसी से नहीं कर सकती हूँ, वहां पर भी पुलिस रहती है, मतलब पुलिस ये चीज ये सारी नोट कर रही है, किससे बात कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं, हो सकता है आगे कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हों, लेकिन मैं पुलिस के ऊपर एलिगेशन इसलिए नहीं लगा सकती कि उनकी ड्यूटी है ये। और दूसरी बात यह है कि हमें जो हमारे घर पे जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो सारे नागर साहब के ही लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, और दूसरे हमारे फैमिली को, हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को, हमारे भाइयों को हमें खतरा है, बहुत खतरा है, हमें कभी भी मारा जा सकता है, हमें उठाया जा सकता है। हाँ। किसी को जेल कराई जा सकती है, किसी के ऊपर केस लगवाया जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस प्रोटेक्शन की आपने डिमांड की, प्रशासन से आपने अपील की आपने कि यहां पर सुरक्षा हमें मुहैया कराई जाए?
हाँ, वो पुलिस प्रशासन ने जो मैंने डिमांड की थी उसके हिसाब से उन्होंने मुझे सुरक्षा मुहैया कराई है। अच्छा, अब आपसे हम यहाँ पर जाना चाहेंगे। मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। आपको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर? चलिए, इस बीच सुनीता नागर ने, बाबूलाल नगर की पट्टी ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, हम जरा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपका हम रुख करते हैं। आपको सब बताया था, भी मीडिया ने झूठ झूठ छापा। तो सुना आपने यहाँ पर उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा। 100% उनको पूरा विश्वास है, उन्होंने कहा शत प्रतिशत जो है वो निर्दोष साबित होंगे। क्या कुछ कहेंगी? हाँ, वो उनको यकीन है, उनको विश्वास है कि उन्होंने सिस्टम को मैनेज कर लिया है। उन्होंने सिस्टम को मैनेज कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमारा देश का कानून है, क्योंकि यहाँ पर देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं है, और यहाँ पर हमेशा न्याय जरूर मिलता है? हाँ, मुझे इस बात का यकीन तब हो जाएगा जब हमारे साथ न्याय होगा, और जो रिपोर्ट है वो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सही रिपोर्ट आएगी। मुझे यकीन कानून पर हमेशा था और हमेशा रहेगा, और हम यही चाहते हैं कि कानून अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। क्योंकि आपका केस जो है हाई प्रोफाइल है और मीडिया ने इसको काफी कवरेज दिया है, और आप हमारे साथ भी बैठी हुई है, और साथ ही 16 दिसंबर से इस घटना को हम जोड़कर देखें तो वहां के भी आरोपी जो है वो उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। ऐसे में आप क्या यहाँ पर उम्मीद करती हैं अपने आप के लिए? वो जो 16 दिसंबर का जो मैटर है, तो वो उनको जो सजा सुनाई गई है, तो उससे लोगों को कानून पर विश्वास जागा है। तो उस वजह से मुझे भी शायद, वो नॉर्मल एक मैटर था, नॉर्मल मैटर इसलिए था, वो नॉर्मल फैमिली को लोग, लड़के बिलोंग करते थे, लेकिन ये मैटर उससे अलग है, क्योंकि ये जो मंत्री जी हैं ये पूरे हाई प्रोफाइल हैं। इनके ये मंत्री भी हैं, इनके पास रसूख भी है, इनकी सरकार भी है, इनकी लोग सुनेंगे भी, मेरी कोई नहीं सुनेगा। और इतना मुझे सपोर्ट मिल, जो भी मुझे सपोर्ट मिलना है वो मीडिया का सपोर्ट है हमारे साथ पूरा पूरा, और इसलिए हम बहुत मीडिया के शुक्रगुजार भी हैं कि कम से कम वो तो मेरी बात समझ रहे हैं, और मुझे पूरी मुझे पूरे भरोसा है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ हैं और हमारे साथ न्याय भी जरूर कराएंगे। अच्छा, एक अहम सवाल जानना चाहेंगे, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ, आप बाबूलाल नगर को किस तरह से जानती हैं, आप उनसे जान पहचान कैसे हुआ, और उनके आप कैसे, उनके घर आप कैसे पहुंच गए? हमने आपको पहले भी बताया था यही चीज की हम 2-3 साल से जानते हैं, और मेरे डेरी का जो मैटर था उसी के सिलसिले में। किस तरह से जानती हैं आप? 2-3 साल से जानती हैं, 4 साल से जानती हैं, लेकिन किस तरह से जानती हैं? मुलाकात आपकी कहाँ हुई उनसे? किस तरह से जानते, मतलब किस तरह से आपकी पहली मुलाकात? मुलाकात तो मेरी घर पे ही हुई, कोई डेरी का जो कहा जो काम, जो मेरा डेरी का मैटर था, जो काम था उसके सिलसिले में भी नागर साहब से मिलने गए, और एक कुछ एक दो एनजीओ के काम भी थे जिनकी वजह से मैं गई थी मिलने के लिए, लेकिन फिर मैंने ज्यादा उनको टच में नहीं रही मैं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कुछ काम नहीं पड़ा कि मैं बाबूलाल नागर जी से मिलूं या कोई बात करूं। अभी कुछ दिन पहले कोई एडमिशन था छोटी बच्ची का करवाने के लिए, उसके लिए मैं एक बार जरूर गई थी, और उसके बाद भी मैंने उनको धन्यवाद बोल के दोबारा मैंने उनके कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अचानक उनका 11 तारीख को खुद बाबूलाल नागर जी का फोन आया 2:30-3 बजे की समथिंग, जब उन्होंने मुझे बुलाया वहां पर। हाँ, घटना के दिन उसी के हिसाब से मैं गई भी थी मिलने के लिए, लेकिन मैं तो बाहर ही वेट कर रही थी मिलने की, मैं यहाँ पर बैठी हूँ वेट कर रही हूँ। उसके बाद भी नागर साहब के वहां पर अंदर से फोन आ रहे हैं कि आप अंदर आ जाओ, तो इसका मतलब मुझे ये आप बताइए कि वो मना कर रहे हैं कि वो यहाँ पर इतने लोग थे, यहाँ पर नहीं आई है, तो ये सारी चीजें, ये प्रूफ सारे उनको सीडी सीआई को मिल चुके हैं, तो उस वजह से उनके ऊपर ये प्रेशर है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें सही है, और जो भी उसको दबाने के लिए वो सारी चीजें ये बोल रहे हैं कि हाँ। आप पैसे ले लो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप हमसे हमें धमकाया जा रहा है, जो भी चीजें हैं उसी चीजों को कवर अप करने के लिए किया जा रहा है सर। अच्छा, जब आपके साथ इस तरह की जो है आपत्तिजनक घटना की अंजाम दिया गया, उसके बाद से हम जानना चाहेंगे कि फिर FIR कब आपने कराया? जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। चलिए, यहां पर हमारे साथ पीड़िता जुड़ी हुई थी, उनसे हम लगातार जो है संपर्क में हैं, और पूरे तरह से जो है उन्होंने अपनी बात को रखा है, और
जो कुछ भी अब तक घटनाक्रम हुआ है उस पर हमने जो है नजर डाली और दर्शकों को भी अपडेट कराया। और इस वक्त बाबूलाल नागर की आज बताएं कि आपको उनका जो है टेस्ट हो गया है और मेडिकल रिपोर्ट उनकी जो है वो आज किया गया है। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर आता है। इस बीच हमारे साथ पीड़िता मौजूद है, उनका रुख करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम यहां पर रुकेंगे, वापस आएंगे। अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर SSP में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम SSP। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम, 100 नींबू की शक्ति वाला विम। अब एक वाटरप्रूफ टब में बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। ए चैंग, नंबर वन सिंगिंग स्टार। क्रिस को भेजे? नो वे। लगी बैट? लगी डबल और नथिंग। नो नो नो, इट्स रियली सिंपल। स्क्रीन पे लिरिक्स को देखना है और गाना है। उसके लिए तो इतना नहीं करेगा। आग लगा देगा, आग लगा देगा। चल निकाल। You need to make him a cricketer. What? Lucky, double or nothing. McDowell's number one soda, दोस्ती का number one spirit. अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और लगातार हम पिछले 1.5 घंटे से हैं जो बरकरार पीड़िता के साथ, और पीड़िता की जो कहानी है वो खुद उसकी जुबानी हमने सुनाया आपको, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा और क्या कुछ उनके पास कितने जो है धमकी भरे खत आए, धमकी भरे फोन आए उनकी बीवी का, और तमाम जो है पैसे का प्रलोभन दिया गया। उनके मुताबिक जो है शाम दंड अर्थभेद सबका इस्तेमाल किया गया इस घटनाक्रम को दबाने के लिए, सुलहनामे के लिए। तो आपको बताएं कि पीड़िता की निशानदेही पर SFL की टीम ने कमरे को किया सील। ये पूरी एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं, 19 सितंबर की घटना है। चलिए, पीड़िता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जयपुर स्टूडियो में हैं, उनका रुख करते हैं एक बार फिर से। आपसे जानना चाहेंगे कानून के रक्षकों के लिए आपका क्या कुछ मैसेज यहां पर देना चाहेंगे आप? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, कानून के रक्षकों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो पूरी ईमानदारी के उस सच्चाई का साथ देना चाहिए। और जो पीड़िता है या जो भी इस तरीके से मैटर आते हैं उनको पूरी ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए और उस पर फास्ट डिसीजन लेना चाहिए। फास्ट डिसीजन लेना चाहिए। और मौजूदा जो कानून है हमारा सख्त है, और आपने कहा कि यहां पर कानून को ढंग से पालन करने की जरूरत है, ना कि कानून को बदलने की। यहां पर पालनकर्ताओं की कमी है। जी हाँ, पालनकर्ताओं की कमी है। कानून अपने आप में एक मिसाल है, स्ट्रांग है, लेकिन उसके पालन सही तरीके से नहीं होता है, उसको फॉलो नहीं सही तरीके से किया जाता है। और साथ ही आप मीडिया को यहां पर धन्यवाद देना चाहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम आपने वहां पर बोला भी था, और यहां पर दब जाती हैं जो खबरें, वहां पर हम सक्रिय होते हैं और कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर बनता है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर यहां पर नागर जैसे जो है मिनिस्टर्स हों, और नतीजा कुछ ना कुछ यहां पर जरूर बेहतर होता है, इंसाफ की उम्मीद जगी रहती है। हाँ बिल्कुल, मैं हाँ
जी जी मैं बिल्कुल जी न्यूज के माध्यम से हम यूपी सरकार से भी यही अपील करना चाहते हैं कि बेसिकली हम यूपी के रहने वाले हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, तो हमारे साथ जो जस्टिस हो वो एक ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि हम यूपी के रहने वाले हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, तो हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाए। और जीव न्यूज का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो उनकी वजह से हमें सपोर्ट जो मिल रहा है लोगों से, वो मुझे सपोर्ट मिला, इसलिए हम जीव न्यूज का धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, यूपी सरकार की अगर कुछ बात करें तो उस पर कुछ आपके मदद की उम्मीद या फिर मदद का प्रयास कुछ किया गया यूपी सरकार की तरफ से? नहीं, यूपी सरकार की बात यह है कि बेसिकली हम यूपी के रहने वाले हैं, हम राजस्थान में रह रहे हैं, और उसके वजह से ये यहाँ पर भी लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि हम यूपी के रहने वाले हैं, तो हम इसीलिए अपनी यूपी सरकार अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। और राजस्थान सरकार की तरफ से कोई नेता, मिनिस्टर या कोई भी नुमाइंदा आगे आकर यहाँ पर आपकी मदद का आश्वासन किसी ने दिया? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग आगे आकर मुझे मदद का आश्वासन दे रहे हैं, और वो भी ये भी कह रहे हैं कि अगर जो सही है तो हम सच के साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। कुछ लोग बहुत लोग जुड़ चुके हैं हमसे और बहुत लोग जुड़ रहे हैं, पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, और वो ये चीज बोल रहे हैं कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे, प्रधानमंत्री तक जाना पड़े तो वहां तक भी जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री तक जाना पड़े तो आप, और साथ ही आपसे जाना चाहेंगे, एक बार फिर से आपके मुख से ही सुनना हम चाहेंगे कि अगर इस केस में यहां पर आपको इंसाफ नहीं मिलता है जैसा कि आपने उम्मीद लगाकर यहां पर रखा है, तो आप आगे की रणनीति क्या है और आगे क्या करने वाले हैं? आगे की रणनीति यही है कि हमने कोई किसी पर एलिगेशन नहीं लगाया है, हमने जो मेरे साथ सही हुआ है, जो सच्चाई हुई है, जो हमारे साथ करने की कोशिश किया गया, हमारे साथ जो एक महिला के चरित्र को गंदा करने की कोशिश करी गई उसके ऊपर और उल्टे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इतना ये एलिगेशन नहीं, ये सच है, तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, और अगर नहीं मिला तो मुझे बस यही है कि मैं राष्ट्रपति से ये अपील करूंगी कि मुझे इच्छा मृत्यु के लिए स्वतंत्र किया जाए, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती हूँ। चलिए, आपने हमारे साथ जो है अपनी पूरी जो है बातों को शेयर किया, लेकिन चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं तो संक्षेप में कह सकती हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना अपने हिंदुस्तान और भारत की लड़कियों महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, आज नहीं जगे, तो वो कभी नहीं खड़े हो पाएंगे, कभी नहीं जग पाएंगे। आज अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो कल उनके साथ जरूर होगा, कल इसी तरीके का कोई दबंग नेता आकर के उन्हें भी इसी तरीके से प्रेशर में लेगा और उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी, तो वो हिम्मत करके हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट दें, तो जीत हमारी जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और जी न्यूज पर समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पर इंसाफ मिलेगा, मकसद ही हमारा यही था आपको साथ में लाने का कि जो भी आपके साथ घटनाक्रम यहां पर हुआ और उसकी जानकारी पूरे जनता तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे हमारे माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं, चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम बस। अरे, 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम, यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैंने करना। पुरुजदा, क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क, ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। राजस्थान ये नया, नया राजस्थान,
राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, CAT, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर SSP में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम SSP। जम के खाओ खूब पचाओ माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासो। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चिकनाई हटाने में कौन है सबसे तेज, ये साधारण बार या नया विम बार? स्टार नए विम बार में पूरे 100 निब्बों की शक्ति है। ये औरों की तरह स्लो मोशन में नहीं धोता। वाह, चिकनाई हटाए सबसे तेज 100 निब्बों की शक्ति वाला नया विम बार। पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर। झलक वॉशिंग पाउडर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि अभी तक आपने सबसे बड़ी खबर देखी राजस्थान के परिदृश्य से, जो कि पीड़िता बाबूलाल नागर पर पूर्व मिनिस्टर जो थे उन पर
बलात्कार का आरोप लगाया था। खुद पीड़िता हमारे साथ लगभग स्टूडियो में डेढ़ घंटे तक मौजूद रही और क्या कुछ पूरा रूबरू करवाया। जो कुछ शुरू से घटनाक्रम अभी तक हुआ था उससे हमने पर्दा उठाया और उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने सुना। और थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएं कि राजस्थान के पूर्व मंत्री और भौरी देवी हत्याकांड में आरोपी महिपाल मदेरणा की बेटी हैं दिव्या मदेरणा, उनको भी जोड़ेंगे लाइन पर, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में रहते हुए उनके पिता के खिलाफ सीबीआई जांच की गई, लेकिन अब पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ क्यों सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। एक गंभीर आरोप, उनको भी जोड़ेंगे हम और उनका भी जो है व्यू लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आपको बताएं जिस प्रकार से बाबूलाल नागर पर पीड़िता ने, महिला ने आरोप लगाया बलात्कार का, और शुरू में उन्होंने इस मीडिया ने जब प्रेशर बनाया और ऊपर तक इस बात जब भनक लगी और पहुंची तो उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, हालांकि उनका मेडिकल टेस्ट आज जरूर करा लिया गया है। और जैसा कि पीड़िता ने यहां पर गंभीर आरोप कई लगाए हैं कि उनका रसूख का इस्तेमाल करके वो बच रहे हैं और आखिर सरकार नजरअंदाज क्यों उन्हें कर रही है, क्योंकि लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं, कभी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कभी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, कभी कोई भी यात्रा कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आखिर सरकार की क्या मजबूरी है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि यहां पर चुनाव है इसलिए उन पर कार्रवाई किया तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से उनको बचाने की कोशिश भी लगातार जारी है। चलिए इस बुलेटिन में बहरहाल इतना ही, हम आगे फिर से वापस आएंगे कुछ अपडेट के साथ। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान, सच हुए सपने अपने घर के सबको मिले आवास, आम जन के सकल उत्थान के सफल हुए प्रयास। राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं के केंद्र में आमजन की रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए कई अभूतपूर्व प्रयास। ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय समस्या को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना लागू की। योजना के तहत हुड़को से 3,400 करोड़ रुपए का ऋण लेकर राज्य के 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना शुरू की। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवासहीन बीपीएल परिवारों को आवास के लिए 75,000 प्रति इकाई अनुदान देने का प्रावधान करने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए कम लागत पर आवासों के निर्माण के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 5 लाख EWS और LIG आवास बनाए जाने प्रस्तावित। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 600 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाने के अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें हो रही हैं निशुल्क। चिकित्सा के साथ साथ बीपीएल परिवारों को अन्न सुरक्षा देने के उद्देश्य से राज्य में 10 मई 2010 से अन्न सुरक्षा योजना संचालित। योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को 25 किलोग्राम और अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी एपीएल परिवारों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त फोर्टिफाइड आटा 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाए जाने के साथ ही राज ब्रांड से मसाले, नमक, घी जैसे खाद्य पदार्थ भी
आमजन को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाने के साथ साथ बजट 2013-14 में राज्य के सभी बीपीएल स्टेट बीपीएल परिवारों एवं उनके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त कर रहे अन्य वर्गों के परिवारों की सभी महिलाओं को दो दो साड़ियां और पुरुषों को एक एक कंबल निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा के अलावा गत बजट में घोषित निराश्रित संबल योजना के अंतर्गत भी बेसहारा एवं जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां एवं पुरुषों को कंबल निःशुल्क वितरित किए जाने की घोषणा। आमजन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के नया है। मुझे हमेशा से सुपर हीरो बनना था। आई ट्राइड एवरीथिंग, फिर जस्ट गिव अप। हेलो, मैं MDRI से बोल रहा हूँ। आपने कुछ साल पहले स्टेम सेल डोनेशन के लिए रजिस्टर कराया था। आपका ब्लड एक कैंसर पेशेंट से मैच हुआ है। आप ब्लड डोनेशन जैसा स्टेम सेल डोनेशन करके एक ब्लड कैंसर पेशेंट की जिंदगी बचा सकते हैं।